नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के मरुताल थाना क्षेत्र के मदर टेरेसा इलाके में एक 44 वर्षीय व्यक्ति की मौत नाली में डूबने से हो गई। पूरी घटना देर रात की है, जिसके बाद सुबह पुलिस को मामले की सूचना मिली थी। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अन्य बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी है। वहीं मरुताल थाना प्रभारी रीना पांडे ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि मदर टेरेसा इलाके में एक व्यक्ति की लाश मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी, जहां पर पुलिस ने देखा कि एक व्यक्ति नाली में पड़ा हुआ है, जो कि मृत अवस्था में था। जिसके भाई पप्पू ने बताया कि उसका भाई शराब पीने का आदी था, शायद वह शराब के नशे में नाली में गिर गया हो, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। वही मृतक का नाम भूरा विश्वकर्मा है। वहीं प्रारंभिक जांच में पता चला है कि शराब के नशे के कारण भूरा विश्वकर्मा की मौत हुई है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा कि किस प्रकार से यह घटना हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जबलपुर। रात एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की बॉडी नाली में पड़ी हुई है, नाली में औधे मुंह पड़ी हुई है। तो वहाँ पे जाके देखा गया तो एक व्यक्ति नाली में पड़ा हुआ था और वो डेथ हो चुकी थी उसकी। उसको प्रॉपर निकाला गया तो उसका भाई है पप्पू विश्वकर्मा। उसका कहना है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे और कल दशहरा देखने के लिए गए थे, उसके बाद घर नहीं आए हैं। तो संभवतः उसने काफ़ी ड्रिंक कर रखी थी, उसके कारण वो नाली में गिर गया था। और उसका पीएम हुआ है, अभी पीएम रिपोर्ट आई नहीं है, बट डॉक्टर का ये कहना है कि ड्राइविंग के कारण उसकी मृत्यु हुई है। और पीएम रिपोर्ट आने के बाद बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसका नाम है भूरा विश्वकर्मा, ये 40 वर्ष इसकी उम्र है। ये एक्चुअली मदर टेरेसा, जहाँ मतलब इसकी बॉडी मिली है, पानी की टंकी है, वहीं का रहने वाला है। काम जो मिल गया वो करता था। अभी जैसे कहीं पे ये सेंटिंग वगैरह का काम कर रहा था, जो काम मिल जाता था, मजदूर वर्ग का था, जो मिल जाता था वो करता था। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।